अस्सलामुअलैकुम। ये कल्टस भाई आज लेकर आए हैं हमारे पास। ये एक्सीलेटर छोड़ने से बंद हो जाती थी, झटके लेती थी, पेट्रोल की एवरेज नहीं थी इसकी। इसके लिए हमने इसका कार्बोरेटर खोला है और प्लग भी खोले हैं, बहुत काले थे जिसकी वजह से पेट्रोल की एवरेज ही नहीं थी। अब इसका कार्बोरेटर इसका सेट करेंगे और इसकी एवरेज सेट करेंगे। आगे चलने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसका कार्बोरेटर खोलते हैं, अब चेक करते हैं इसमें क्या मसला है, क्या सूरत हाल है। इसके ऊपर पेच लगे होंगे, वन बाय वन सारे पेच खोलेंगे, ऊपर वाला टापा खोल लेंगे इसका। ये हमने इसका टापा निकाल लिया है, ये जैन इसका नया डाल देंगे, ये टूट गया है। इसका न्यूट्रल वाल चेक करेंगे, इसके अंदर जाली लगी होती है उसमें चेक करेंगे कचरा तो नहीं है। ये न्यूट्रल वाल है इसका, ये न्यूट्रल वाल जहाँ पे लगता है इसके अंदर से ख्याल से निकालना है, क्योंकि अंदर अगर दाग बन गया तो न्यूट्रल वाल फंसने लगेगा और पेट्रोल गाड़ी अवर करने लग जाएगी। ये इसके अंदर जाली है, जाली में इतना कचरा तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको सफाई करते हैं। इसकी एक एक लाइन साफ़ करेंगे, क्योंकि हमारे पेट्रोल की सर्कुलेशन ठीक होगी तो ही हमारी गाड़ी सेट होगी। अब नीचे वाले टापे में चेक करते हैं, ये देखें बहुत ही ज़्यादा कचरा था, अंदर मिट्टी है। ये ज़रात जो जाके लाइनों में फंस जाते हैं, इसी वजह से हमारी गाड़ी मसला पैदा करती है। ये जेट निकाले हैं मैंने टापे के अंदर से खोल के, इसमें तीन जेट लगे होते हैं, एक टापे के ऊपर लगा होता है, दो नीचे। इस जगह से दो जेट खोलने पड़ते हैं, ये 14 के पेज खोल के। इसकी एक एक लाइन को अच्छी तरह से अगर वॉश नहीं करेंगे, क्लियर नहीं होगी हमारी लाइनें, तो गाड़ी मसला नहीं छोड़ेगी। इसकी एक एक लाइन को क्लियर करना ज़रूरी है, तभी हमारी गाड़ी का मसला हल होगा। अगर ज़रा सा भी कचरा रहेगा तो हमारी गाड़ी सेट नहीं होगी। इसकी बटरफ्लाई मैंने रिपेयर की है, मैंने इसकी लाइनें क्लियर करके लगा दी हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए एक बार फिर मैं स्प्रे मार देता हूँ। इसमें बटरफ्लाई की लाइनें लाजमी साफ़ होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये एक एक लाइन में मैं स्प्रे मार रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको समझाने के लिए ये लाइनें साफ़ हो गई हैं। क्लीनर से सफाई अच्छी तरह हो जाती है, प्रेशर से अंदर से लाइनें साफ़ हो जाती हैं, इसलिए कार्बोरेटर क्लीनर हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये इसमें जेट लगा होता है ऊपर, ये भी साफ़ करके लगा दी है। ये दो जेट लगे होते हैं टापे के अंदर, इस तरह से ये दोनों जेट भी लगा देने हैं। ऊपर 14 के बोल्ट लगे होते हैं, ये दोनों बोल्टों को फिर टाइट कर देना है।
ये हमारा टापा एक क्लियर हो गया है। अब दूसरे की लाइनें साफ़ करके फिटिंग करते हैं इसकी। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। ये वॉश करके इसकी जाली लगा दी है हमने। फुल टाइट कर दी है। न्यूट्रल वाल लगा के ये जाली चेक कर लेंगे। ये चेक करेंगे न्यूट्रल वाल सही काम कर रहा है। न्यूट्रल वाल को चेक करके फिर इसको ये टापा चेक कर लेंगे। ये भी मुकम्मल फिटिंग हो गई है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। इसके बाद यहाँ पे जैन नया लगाएंगे। न्यूट्रल वाल फिर चेक कर लेते हैं, बाज़ औक़ात फंस जाता है। ये जैन नया लगा के फिटिंग कर देंगे। इसको अब फिट करते हैं। ये टापा लगा दिया है। अब इसके ऊपर के पेच लगाते हैं। पहले सारे पेचों को बराबर बराबर मिला लेंगे, उसके बाद फुल टाइट करेंगे। ये कार्बोरेटर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको गाड़ी में फिटिंग करते हैं। ये गाड़ी के इंगलेट के ऊपर जैन वो भी नया डाल दिया है। अब इसको बोल्ट लगाकर फिटिंग कंप्लीट करते हैं। इन्हें भी बराबर बराबर पहले मिलाना है और फिर फुल टाइट करना है। इसके वाइकम और पाइप लगा के गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट है हमारी। ठीक है, अब इसका बोनट बंद कर देते हैं। अब इसकी ट्राई लेकर चेक करते हैं मिसिंग या कोई मसला तो नहीं है। खड़ी गाड़ी भी कोई मसला नहीं कर रही थी। आरपीएम भी इसका ठीक है और गाड़ी चलने में कोई मसला परेशानी नहीं है, बिल्कुल ओके। अब हमारी गाड़ी एवरेज अच्छी देगी।